आज मैं मानसिक बीमारियों में से होने वाले सबसे आम बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो है एंग्जाइटी जिसको आम भाषा में बेचैनी घबराहट या चिंता भी कहते हैं ये एंग्जाइटी है क्या और एक इंसान को समझ में कैसे आएगा कि ये जो हो रहा है उनके साथ में वो एंग्जाइटी है आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं एक बीवी अपने हस्बैंड का वेट कर रही है शाम के पाँच बजे ऑफिस से आने का सवा पाँच हो चुका है लेकिन उसका हस्बैंड अब तक वापस नहीं आया है फोन भी ऑफ है उसके हस्बैंड का अब इनके अंदर अजब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं सोचना शुरू कर देती है अरे पता नहीं क्या हो गया ऐसा तो नहीं कोई हादसा हो गया या फिर इनका फ़ोन चोरी हो गया और अलग अलग तरह से ड्रावनी सोच इनके अंदर में आने शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है बेचैनी सा शुरू हो जाता है इनके अंदर में और कुछ देर बाद पसेना आना शुरू हो जाता है फिर वो फ़ोन मिलाती है उनके ऑफिस के दोस्त को और वो बताते हैं आपके पति तो टाइम पे ही निकल चुके हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया है उनके साथ में अब इनकी हालत और ख़राब हो जाती है हाथ में कंपन शुरू हो जाता है और सीने में जकड़न और बेचैन होकर वो इधर उधर आना जाना शुरू कर देती है बार बार पानी पीती है विंडो खोल के सांस लेने में आसानी महसूस करती हैं फिर उतने देर में डोरवेल बसता है और उनके हस्बैंड आ जाते हैं और वो परेशान होकर पूछती है कि आप कहाँ पर रह गए थे वो आसानी से कहते अरे हुआ क्या इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी वो रिपेयर करवाने में टाइम लग गया उसके बाद वो गुस्से में कहती अरे आपको नहीं पता आपको समझ में नहीं आता मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कम से कम उसके बाद भी वो कुछ देर बेचैन रहती है और फिर कुछ देर के बाद वो नॉर्मल होती हैं ये जो लक्षण बताया मैंने आपको ये एक रिस्पॉन्स था अनोन रीजन के इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स जो उनके अंदर आए उसका सही वजह पता नहीं था किसी को भी कि एक्चुअली में हुआ क्या सच में क्या हादसा हुआ था हादसा तो कुछ भी नहीं हुआ था और ये सारे लक्षण एक अनोन फैक्टर की वजह से जो आया इसको ही एंग्जाइटी कहते हैं नॉर्मली ऐसे सिचुएशन परेशान होना आम बात है लेकिन अगर ये नॉर्मल एंग्जाइटी आपकी जिंदगी में ज्यादा बढ़ जाए आपकी पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचाने लगे तो यह बीमारी है और इसका इलाज सही टाइम पे जरूरी है ये एंजाइटी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था एंजाइटी के सारे लक्षण एंजाइटी को पहचानने के तरीके और इसका इलाज इन सब मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं मैं आइए सबसे पहले समझते हैं कि एंगजाइटी को कैसे पहचाना जाए आपको कैसे समझ आएगा कि ये सारे लक्षण एंग्जाइटी के ही हैं मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स देता हूं आप उसे अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके देखिए एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके दिमाग में सोच आती है कि अगर एग्ज़ाम पेपर मुश्किल आया तो ऐसा सवाल आ गया जो मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा वो कुछ देर परेशान हो जाता है लेकिन फिर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है पूरी कोशिश करता है कि वो सब कुछ अच्छे से पढ़ाए और उसकी तैयारी में कोई भी तकलीफ नहीं आती है लेकिन अगर वो लगातार सोचने लगे कि अगर वो सब कुछ भूल गया तो और अगर वो फेल हो गया तो उसके घर वाले क्या कहेंगे दोस्त क्या कहेंगे और इसी तरह से वो सोचता चला जाता है और उसे घबराहट शुरू हो जाती है फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं एंगजाइटी की और उसके बाद उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है और उसका एग्जाम भी अच्छा से नहीं हो पाता है तो ये स्टूडेंट एंग्जाइटी का शिकार हो चुका है एक इंसान इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वहां पे वो देखता है कि काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में थोड़ी घबराहट तो किसी को भी हो जाएगी इतने सारे लोग हैं क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा ये सोच तो दिमाग में आती ही है कैसे भी करके ये एक नॉर्मल एंग्जाइटी है लेकिन ये सोचने लगना अरे ये सब तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट और एजुकेटेड दिख रहे हैं ऐसे लोग के साथ मैं कैसे कंपीट कर पाऊंगा मेरा सिलेक्शन होगा मुश्किल दिख रहा है आज मैं फिर से फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा अरे अगर यहां पे नहीं हुआ तो मुझे कहां कहां भटकना पड़ेगा और ये सोच के उसको बेचैनी शुरू हो जाती है ये सब सोच के उनको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है और जब वह महसूस करता है कि बाकी लोग भी उसको देख रहे हैं तो उसके दिमाग में आता है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसे तो अभी से पसीना छूटने लगा ये सोच के और ज़्यादा एंगजाइटी होती है और वो काफ़ी विचलित हो जाता है अंदर से जो इंसान ऐसे सिचुएशन में अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास खो देता है ऐसे लोग एंगजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है एक आदमी उसके पास आकर उससे टाइम पूछता है लड़की टाइम बता देती है और वो चला जाता है उसके बाद वो लड़की भी चली जाती है ये नॉर्मल सी बात है लेकिन अगर ये लड़की उस समय उसको टाइम ना बताए ये सोचने लग जाए ये टाइम पूछने के बाद और बात करना तो नहीं चाहेगा और ये मेरा पीछा तो नहीं करने लगेगा और क्या ये मेरा फ़ोन या पर्स तो नहीं छीनना चाहता है ये शायद मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है और ये सब सोच करके वो घबरा जाती है पसीना पसीना हो जाती है वो कुछ बोले बिना वहां से भाग खड़ी होती है तो यहां पे कह सकते हैं ये लड़की भी एंजाइटी डिसऑर्डर की शिकार है ऐसे लोग जिनके अंदर एक साथ काफी सारे सोच अपने आप शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से वो काफी सारे बातें खुद से ही एज्यूम कर लेते हैं ऐसे लोग ओवर के शिकार होते हैं और ऐसे ही लोग जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं और आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ खास चीजों से डर लगता है जैसे ऊंचाई से डर लगना अंधेरे से डर लगना अकेले आने जाने से माँ बाप या किसी फैमिली मेंबर से दूर हो जाने का सेपरेशन एंजाइटी आग से भूत से या किसी जानवर से ऐसे लोग के सामने उनके डर की वजह का आ जाना एंजाइटी को पैदा कर देता है अगर एक इंसान को अंधेरे से डर लगता है और वो अकेले एक रूम में है और उसी समय लाइट चली जाती है तो वो बंदा बहुत ही बेचैन हो जाएगा वो डर जाएगा उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी उसको पसीना आना शुरू हो जाएगा अंधेरे से और बंद जगह में फंस जाने का डर जिसे क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं ऐसे इंसान को न सिर्फ बंद जगह में जाने से बल्कि किसी और के साथ हुए हादसे की बात सुन के भी एंगजाइटी का अटैक आ सकता है अगर किसी को सोशल एंग्जाइटी है तो वो सोशल गैदरिंग से दूर भागेगा अजनबी लोगों से या दूसरे लोगों से मिलने में बात करने में हिचकिचाएगा उसको लगेगा अरे पता नहीं मैं कुछ बोल दूंगा तो शायद मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा लोग मुझे नीचा तो नहीं समझेंगे और ऐसे लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं उनके सामने कोई भी दूसरे लोग आ जाए तो वो बिल्कुल घबरा जाएंगे और उनके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी आपको ये सब जान के समझ में आ गया होगा कि एंग्जाइटी होती कैसी है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं एंगजाइटी डिसऑर्डर्स के बहुत सारे टाइप्स भी है जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर फोबिया यानी कि डर सोशल एंगजाइटी और जनरलइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर आइए अब ये समझते हैं कि इंसान को एंगजाइटी होता क्यों है सबसे पहले इन्वामेंटल फैक्टर्स स्ट्रेस जिससे कि इंसान को दिमागी दबाव पड़ता है आप कह सकते दिमाग पे प्रेशर पड़ता है जिसका कोई भी वजह हो सकता है सेहत दौलत रिश्ते ऑफिस का काम या बिज़नेस का काम और या फिर एग्ज़ाम डर या कोई ख़तरे का एहसास अगर किसी को किसी ख़ास चीज़ से डर लगे जैसे कि अंधेरे से या ऊंचाई से तो उसके बारे में ख्याल आने से भी एंजाइटी होगा अब मैं इसका साइंटिफिक कनेक्शन बताता हूँ आपको लगभग 15 से 20 परसेंट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में एक जेनेटिक कनेक्शन देखा गया है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब अपने माँ बाप अपने भाई बहन में एंजाइटी अगर है तो आप में भी होने के चांसेस हैं हमारे दिमाग में गाबा बेंसोडाइसिपिन रिसेप्टर्स हैं गाबा एक न्यूरो है ये अगर इम्बेलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी एंग्जाइटी होती है और इसको ठीक करने के लिए हमें दवा लेना पड़ता है और वो दवा है बेंसोडाइसिपिन इसके अलावा और भी न्यूरो हैं जैसे कि नॉरपिनेफरिन सिरेटोनिन डोपामिन ओपिड रिसेप्टर्स इनका भी इम्बेलेंस हो जाए तो इंसान को एंगजाइटी होगी अब तक सारे लक्षण जो मैंने आपको स्टोरीज़ में बताया वो सब एक साथ बताता हूं कि एंग्जाइटी में और कितने सारे लक्षण हो सकते हैं एंगजाइटी के टाइम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि दिल की धड़कन का तेज हो जाना मरीज आपसे कह गया कि ऐसा लगता है कि उसका दिल बाहर आ जाएगा खूब सारा पसीना आना फेस लाल हो जाना मुंह सूख जाना हाइपर वेंटिलेशन जैसे लक्षण जैसे कि सर घूमना ऐसा महसूस होने लगना कि अब गिर जाऊंगा उंगलियों का सुन पड़ना सर में दर्द और ऐसा लगेगा कि सांस फेफड़े तक नहीं पहुंच पा रहा है सीने में एक जकड़न और मरीज को ज़्यादा पेशाब आएगा और साथ में डायरिया भी हो सकता है इसके अलावा जो मोटर सिम्टम्स है जो किसी और को भी दिखाई देगा वो सब है सबसे पहला तो एक डरा हुआ चेहरा हाथ में कंपन पैदा होना या जिसम के किसी भी हिस्से का मसल कॉन्ट्रैक्शन होना जिसकी वजह से मरीज को जिसम में दर्द महसूस होगा रेस्टल इंसान एक जगह पे नहीं बैठ पाएगा उसको सुकून महसूस नहीं होगा तो वो इधर उधर आना जाना शुरू कर देगा आपको बताता चलूँ कि एंगजाइटी अटैक कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान का दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाता है ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है सांस फूलने लगती है सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और उनको फिर सीधे इमरजेंसी में लेके जाया जाता है बेसिक मैनेजमेंट के साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे कि ई या दूसरे इंपॉर्टेंट टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं बाद में डॉक्टर कहते हैं कि इनको एंगजाइटी अटैक आया था हमने इनको बेसिक इलाज तो कर दिया है लेकिन अब इनको एक साइकिया से मिलने की जरूरत है आइए आप समझते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए सबसे पहले लाइफ स्टाइल एक तो पौष्टिक आहार उसके बाद रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए सात से आठ घंटा सोना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ या दौड़ लगाने से भी काफ़ी स्ट्रेस कम होता है अब ये सीखते हैं कि ख़ुद से एंगजाइटी को कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है खुद से एंजाइटी पे कैसे काबू पाया जा सकता है माइल्ड या मॉडरेट एंजाइटी हो तो रिलैक्सेशन टेक्निक काफ़ी फ़ायदेमंद है जो मरीज़ ख़ुद से करता है ये एक तरह का एक्सरसाइज है जो आप घर पर भी कर सकते हैं सबसे पहले तो योगा मेडिटेशन और फिर आप जो भी प्रेयर्स करते हैं उसको पूरा फोकस के साथ करिए आप ऐसे फोकस करिए कि जैसे आप भगवान और खुदा के सामने में खुद सामने खड़े हों इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी दूसरा सोच नहीं आने चाहिए पूरे के पूरे कॉन्सनट्रेशन के, के साथ में करिए इसके बाद दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक है डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फायदे हैं इसको एबडामिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं डीप ब्रीदिंग का मतलब है लंबी सांस लेकर के धीरे से छोड़ना ये डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फायदे सबसे पहले मैं साइकोलॉजिकल फायदे की बात करूंगा एंगजाइटी और स्ट्रेस अच्छे खासे लेवल तक कम हो जाएगा आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी इसके अलावा जो फिजिकल फायदे हैं, हार्ट रेट कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर भी कम होगा मसल में जो टेंशन है जो दर्द है वो भी कम होगा आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा इसके अलावा एक और टेक्निक अपना सकते हैं रोजाना पाँच मिनट के लिए एक आसन मैं आपको बताता हूं एक जगह पर बैठ जाइए सुकून से आंख बंद करके और कोई भी एक चीज को इमेजिन करिए वो कोई फ्लावर हो या फिर कोई मोमबत्ती की रोशनी और बस उसको ही फोकस करिए एक जगह पे बैठ के और सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए जो भी आ रहा है दिमाग में उसको बस निकल जाने दीजिए पांच मिनट के लिए आपको खुद से कुछ भी नहीं सोचना है जो भी आ रहा दिमाग में उसको चुपचाप आप निकल जाने दो एक जगह पे आप सिर्फ फोकस करो आप ये रोजाना करिए कम से कम पांच मिनट धीरे धीरे ये ज्यादा बढ़ता जाएगा और इससे आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी स्टेमना बढ़ेगा एंगजाइटी और स्ट्रेस आपके दिमाग और जिस्म से अच्छा खासा निकल जाएगा ये सारे रिलैक्सेशन टेक्निक है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं लेकिन जब एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाए फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हो तो आपको किसी नियर बाय साइक्याट्रिस्ट से मिलना चाहिए वो आपको साइकोथेरेपी के साथ में मेडिसिन भी देंगे इसका अच्छे से पूरा इलाज हो जाता है आशा करता हूं आपको एंजाइटी के बारे में समझ में आया होगा इस वीडियो की वजह से अपने और बाकी लोग को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे आप लोग शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू सो मच